फिर बाद में 10 मिनट के बाद कोई पूछ रहा है चलो भोजन कर लो, जय हो। कितना किलोमीटर चला है गुरुदेव? देवरिया से यहाँ 440 था, लेकिन मेरा एवरेज था 30 किलोमीटर। मैं जब निकला घर से तो सारे लोग बोल रहे थे पगला गया है क्या तू, जिस गुलशन में तेरा नूर ना हो ऐसा तो कोई गुलजार नहीं दरबार। आप बेटा? प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें बुलाया, क्योंकि हमारी तो औकात ही नहीं आने का। प्रभु का कृपा, बाबा का और आपका, क्योंकि हम जब चलें तो कहें कि हम कैसे जा पाएंगे, रो रहे थे, तो आप कह रहे थे तुम्हारे साथ दरबार है, चलो तुम्हारे साथ दरबार है चलो। मतलब क्या बताऊँ, कोई कुछ मतलब हमको तो रुकना था बस मंदिर पर, और पूछते थे कि मंदिर कहाँ है, कोई बोलता था 2 किलोमीटर, मेरे दिमाग में आता था कोई लगता बोल रहा था, नहीं गलत बता रहे, 5 किलोमीटर यहाँ से है तुम्हें, यहाँ से 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, किसी ने गलत बता दिया कि वहाँ रुकना है, जाओ रुक जाओ। तो मेरा आत्मा कह रहा था नहीं वहाँ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी मैं अपने आत्मा को मार के गया, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में 5 किलोमीटर आगे गया तो वहाँ मिल गया। एक और बात है कि मैं खाना खाने जाता था, शाम को खाना खाने जा रहा था, कुछ खा लिया जाए तो आत्मा से आवाज़ आ रही है यार वहाँ तुम्हें खाने को मिलेगा मंदिर पे। फिर मैं गया, प्रसाद आया, मैंने कहा पर खाने को तो कोई पूछा ही नहीं। फिर बाद में 10 मिनट के बाद कोई पूछ रहा है चलो भोजन कर लो, जय हो। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ माइक पकड़ लूँ एक बार, 2 पंक्तियाँ आपके लिए। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। और जिस गुलशन में तेरा नूर ना हो, जिस गुलशन में तेरा नूर ना हो ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों क्या मां, और दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया से भला मैं क्या मांगू, ये दुनिया तो खुद ही भिखारन है, ये दुनिया तो खुद ही भिखारन है। क्यों? हंसाने की बात रुलाती है दुनिया, हंसाने की बात रुलाती है दुनिया, और जख्म देने के बाद नमक लगाती है दुनिया, और जीते जी दुश्मनी पूरी ना हो सके इन लोगों को तो मरने की बात जलाती है दुनिया। दुनिया से भला मैं क्या मांगू, ये दुनिया तो खुद ही भिखारन है, क्योंकि मांगेंगे अपने बाबा माता से, मांगेंगे अपने बाबा माता से, क्योंकि जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। गुरुदेव पहले से मैं जुड़ा था और मैंने कुछ गलती कर दी, इसके वजह से मुझे भोगना पड़ रहा है, और आपने मेरी गलती क्षमा किया, और मैं पूरा परिवार परेशान है, मैं एक सिंगर हूँ, 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सब विफल, माइक पे डर लगता है मुझे, 10 साल से कष्ट है मुझे, मैं कांपता हूँ, पेशाब लग जाता है, अजीब अजीब तरह का। प्रभु मैं यही चाहूँगा कि अपने शरणों में कीजिए, मेरा जितना गलती है क्षमा करिए, आइंदा मैं प्रोमिस करता हूँ बाबा से, गुरु माता से, आपसे मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे सिंगर बनना है, मुझे नाम करना है, लेकिन कैसे, आपके चरणों में रह के। खुश रहो बेटा। मुझे बहुत लगता है कोई गुरुदेव कोई मांस को काटता है, एकदम काला हो जाता है, नस नस दिखाई देता परिवार में सब में,
बस हमारी गलती क्षमा करें प्रभु। आज से सब अच्छा होगा, खुश रहो। क्या नाम है आपका? दीपक। खूब रोशन हो गए। दीपक खूब रोशन होगा, रोशनी देगा। दीपक तो हूँ, मेरे घर में अंधेरा है, लेकिन मुझे उम्मीद है 100% अब उजाला हो जाएगा और मैं कुछ नया करूँगा। दुनिया में बहुत कुछ करना है मुझे, बस आशीर्वाद मिलता है। अभी उसका प्रमाण मिलेगा जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी कहाँ से यात्रा शुरू की दीपक? देवरिया से। कितना किलोमीटर चला है गुरुदेव? देवरिया से यहाँ 440 था, लेकिन मेरा एवरेज था 30 किलोमीटर। मैं जब निकला घर से तो सारे लोग बोल रहे थे पकड़ा गया है क्या, तू जाएगा तभी होगा क्या, लेकिन नहीं, मुझे तो प्रभु सवार थे मेरे सर पे। मैं बोला, मैं रोने लगा। मैं एक तो 30 किलोमीटर एवरेज था मेरा, गोरखपुर मेरा पड़ता है 70 किलोमीटर। गुरुदेव मैं 9 बजे रात को एकदम थक गया, लेकिन हाँ चलने वाला मेरा दवाई आप ही थे। जब आपको नाम लेता था मैं चलता था, पाँव में छाली पड़ गए थे। और दूसरी बात, मैं एकदम थक गया। मैं कहा गुरुदेव क्या करूं, अब मैं चला नहीं जा रहा है, क्योंकि 10 किलोमीटर स्टेशन था। तो मैं माफ़ी मांगा और लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं कि गाड़ी पकड़ लो और तुम चले जाओ, हम तुम्हें माफ़ कर दें।